1500 रुपए की धनराशि पाएगा। और नॉन स्टॉप रहने पर हमारे भाई दीपक सांगवान विनय खत्री को 1100 रुपए की धनराशि से सम्मानित करेंगे। ऑर्गेनाइजर हैं भाई। और दो की छूट में जमोल्ला की टीम में काला लाठ राजकुमार हरियाणा प्रदेश का 2014-15 और 15-16 का बेस्ट कैचर चे विनय खत्री हरियाणा प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का नहीं संसार का सातवां खिलाड़ी। और दो की छूट में बहु अकबरपुर की टीम में लांडी जीप विजेता संदीप संधु की बात है कैचर के रूप में और रेडर के रूप में लीला जोड़ी चहल परिवार का बेटा ये। दर्शक साथियों अब मैच आपके सामने शुरू होगा। टाइम रहेगा 10-2-10। जोरदार तालियां बजाइए एक बार दोनों टीमों के लिए। और भाई अमित कुमार फौजी पर भी पैसे लग गए। बिल्लू मोखरिया जिसको प्यार से चड्डा कहते हैं अमित फौजी नॉन स्टॉप रहेगा तो 1100 रुपए से उनकी तरफ से मान सम्मान किया जाएगा। वही डॉक्टर मनदीप तोसाम की तरफ से बंटी बलारा जितनी कैच लगाएगा 500 रुपए। ये विनय खत्री और मैच स्टार्ट होगा। दर्शक वीरो खुल के तालियां मार दो। बंटी बलहरा को पहला टच विनय खत्री बहुत ही उम्दा किस्म का खिलाड़ी ये है। दर्शक साथियों रेड पर अमित फौजी बलहरा परिवार का बेटा संजय गुलिया खेड़ी जट का। दर्शक साथियों जिन्होंने रीड्स गाड़ी से इसके बेटे को सम्मानित करने का काम किया रामबज बलारा के सपुत्र हैं। सामने चार डिफेंडर चाहे दीपक की बात अनिल जमोल्ला की बात है सुधा और हरियाणा प्रदेश का उच्च कोटि का कैचर है राजकुमार उर्फ काला लाठ और अनिल जमोल्ला दो बुल्ट विजेता सुपर सर्कल कबड्डी और शेरे हरियाणा सर्कल कबड्डी का विजेता। पॉइंट गोज टू बहु अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट रोहतक। भाई जो रेडर है ना वो पीछे हट जाओ सिटिंग बॉक्स में चले जाओ। और ये है सुधीर शर्मा। भाई दोस्तों सबको बहुत बहुत बधाई। सिर्फ मैच की बात बताए जाएंगे कबड्डी से रिलेटेड बात होंगी भाई बाकी दर्शक भाइयों फोन और हमारे भाई रोहित सुपुत्र चतर सिंह जिन्होंने इस प्रतियोगिता के मैच का शुभारंभ किया था हमारे खेल क्लब को 11000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार रोहित के लिए। और रेड पर है चहल परिवार का बेटा दर्शक साथियों जिला सोनीपत के जोड़ी गांव का बेटा लीला जोड़ी। सतपाल जी सारी अलाउंसमेंट ब्रेक में सिर्फ कबड्डी की बात करते ना अभी वो साथी जा रहा था उन्होंने उद्घाटन किया था। और ये रेड पर है लीला जोड़ी। ये है राजकुमार उर्फ काला लाठ हरियाणा प्रदेश का 2014-15, 15-16 का बेस्ट कैचर जिन्होंने माई लाइफ गेम कबड्डी सोशल मीडिया ने सम्मानित करने का काम किया। ढोचक परिवार का बेटा नमन उस माता फूलवती और पिता रामधन ढोचक को जिन्होंने ऐसे होनार बेटे को जन्म दिया। पॉइंट गोज टू जमोल्ला डिस्ट्रिक्ट जी। और अब आएगा विनय खत्री बहुत ही प्यारा नाम और इस भाई का जो कि ग्लोबल लीग में भी टीम कैप्टन के रूप में कार्य किया और 2.25 करोड़ रुपए का फाइनल मैच खेला हरियाणा लॉन्स की टीम ने। उस टीम के कप्तान है विनय खत्री। एक ही जिले के खिलाड़ी हैं सोनू और विनय। और दीपक सांगवान ने 1100 रुपए की धनराशि लगाई उसको। और ये अमित फौजी गांव बहु अकबरपुर जिला रोहतक रेड पर है। अगली टीम है भाली वर्सिज करसोड़ा तुरंत मैदान पर पहुंच जाए। ये फिर कोशिश की राजकुमार काला लाठ के द्वारा लेकिन पॉइंट मिला बहु अकबरपुर जिला रोहतक को। चलिए सुरेश और सतपाल जी जो कबड्डी फूड सप्लीमेंट्री स्टोर मैम की तरफ से 1100 रुपए विनय खत्री पर लगे हैं। अगर कैच लगी तो कैचर को हम वो पैसे नॉन स्टॉप रहा तो विनय खत्री को। नन्ना का दोबारा फोन आ चुका है और एक बनाम चार सुधीर दादा सुधीर सुधीर एंड सुधीर और कैच आ गई। सुधीर दादा को छोटे सुधीर ने कैच कर लिया। सुधीर बिल्कुल शानदार कैच वीरेंद्र बेरी के द्वारा भी 1100 रुपए की धनराशि। यदि भाई दर्शक साथियों विनय खत्री को कैच लगातार नॉन स्टॉप रहने पर मेरे भाई दीपक सांगवान चिमनी जिला जज्जर की तरफ से यह है बलारा परिवार का बेटा सुरेंद्र बलारा उर्फ काला चांद सिंह बलारा के सुपुत्र हैं। और अनिल जमोल्ला कॉर्नर पर काला लाठ अनिल जमोल्ला के साथ सीधा टकराव किया भाई देखते हैं अनिल जमोल्ला। और ये सफल रेड भाई
और संदीप गप्पू बहुत ही शानदार ट्राई और कैच होगी विनय खत्री को। गुड कैच भाई। और वीरेंद्र बेरी की तरफ से 1100 रुपए किस कैचर ने लगाए हैं, किसके द्वारा कैच लगी है? ये संदीप गप्पू ने विनय खत्री को कैच लगाई है और 1100 रुपए सप्लीमेंटरी स्टोर मैम की तरफ से। और वीरेंद्र बेरी की तरफ से 1100 रुपए, यही है ना? और ये है अमित फौजी। सत्यवान बलारा 1000 रुपए की धनराशि। सुरेंद्र कुमार यदि नॉन स्टॉप रहता बहू अकबरपुर से। काबिले तारीफ मैच चलता हुआ, बहुत ही टॉप क्लास का मुकाबला आज आपको देखने को मिलेगा, जबकि 3 गेंदों को कैच हो चुकी है एक-एक और अमित फौजी अभी भी नॉन स्टॉप चला है। कल सुबह 2 बजे मैच जांडली के साथ बहू अकबरपुर ने ब्यौली की धरती पर फाइनल खेला नॉन स्टॉप रहते हुए। एक बाइक अपने नाम की, उस खिलाड़ी का नाम अमित फौजी है। कल भी ऐसा ही हुआ था, यानी आज सवेरे समझ लो सभी रेडरों को कैच हो गई थी, बराबरी पर मैच आ जांडली और भाऊ का, फिर और ये रेड पर अमित फौजी नॉन स्टॉप। सुरेंद्र भलारा और बड़े बधाई के पात्र हैं दोनों भाई, राम लखन की जोड़ी, चाहे दिनेश सांगवान की बात है और चाहे दीपक सांगवान की बात है, चाहे उनके सहयोगी वीरेंद्र फौजी बेरी की बात है, इन भाइयों ने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे मान सम्मान की बात है, चाहे खाने की बात है। सुखदीप मोखरा, मनजीत बलारा जी यदि कैच करता है तो मैं नमन करता हूं इन भाइयों को। और ये कैच की कोशिश डैनी बलारा। और भाई एक ही जिले के दो खिलाड़ी सुरेंद्र बिरला यदि नॉन स्टॉप रहता, उसके चाचा जी 1000 रुपए की धनराशि मेरे पास है, उनको देंगे। और ये रेड पर अमित फौजी, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का उच्च कोटि का रेडर आपके बीच में। दर्शक साथियों, कभी इन्होंने किसी ऑफिशियल की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये इस खिलाड़ी के व्यक्तिगत गुण हैं। सामने ये सुधीर सुधा कोशिश कर रहा है दर्शक साथियों, जमोल्ला जिला जींद। बहुत ही बढ़िया रेड और शांत स्वभाव का खिलाड़ी अमित फौजी। ये देख लो भाई, सिर्फ एक एक टाइम आउट मिलना, एक एक वाटर ब्रेक हो गया। वाटर ब्रेक, अच्छा वाटर ब्रेक है, पानी पी सकते हैं, पानी दे दो भाई खिलाड़ियों को। कैंपर दिनेश सांगवान, पानी का कैंपर भेज दो भाई। आप बार बार पीने से एक बार वाटर ब्रेक में पी लेंगे, फिर हाफ टाइम में पी लेंगे, फिर वाटर ब्रेक में पी लेंगे और फिर मैच समाप्त हो जाएगा। बहुत ही तकड़ा मैच मुकाबला चलता हुआ। ये वाटर ब्रेक है तो फिर टाइम आउट नहीं मिलेगा, ठीक बात है। और दोनों टीमों के लिए बराबर भी है, उसमें किसी को नुकसान नहीं, किसी को फायदा नहीं। इसी में अपनी बात भी कर लो और पानी भी पी लो। पानी भिजवाओ जी, सांगवान साहब पानी तो भिजवा दो। और माननीय सत्यवान जी बलारा, जो सुरेंद्र है बिरडा के चाचा जी हैं, 100-100 रुपए की धनराशि कमेंटेटर को दे रहे हैं, सुरेश दलाल और सतपाल को, और 1000 रुपए इनके मेरे पास हैं, यदि नॉन स्टॉप रहता तो 1000 रुपए की धनराशि सुरेंद्र को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। और वाटर ब्रेक के बाद भाई कोई मलिक साहब टाइम आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि 5-5 मिनट में वाटर ब्रेक 2 दे दिए हैं, एक मध्यांतर से पूर्व, एक मध्यांतर के बाद। और कोई भी खिलाड़ी भी अपने शरीर पर पानी मत लगाएगा भाई, ये नोट करे, पानी पीने के लिए जल ही जीवों का जीव है, इसको बचाइए, देख लिए। और भाई अक्षमा चाहूंगा, शेखर मोखरा अपने अनाउंसमेंट कराई थी, मैं कर नहीं पा। अमित फौजी का बहुत ही भाई फैन है, बड़ा फैन है शेखर मोखरा। नॉन स्टॉप रहेगा तो अमित फौजी 2100 रुपए देगा भाई शेखर मोखरा। काफी पैसे दोनों तरफ से लग चुके हैं और अभी तक एक तरफ एक कैच, दूसरी तरफ 2 कैच। मलिक साहब मैच कराओ जी। सर मैच शुरू करवाइए, 5 मिनट का हमारा मैच का समय पास हो चुका है, 15 मिनट का भी समय शेष है, मध्यांतर से पूर्व 5 मिनट, उसके बाद फिर मध्यांतर होगा, फिर 10 मिनट। और चलिए दलाल साहब जी, सुधीर डालडा बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम है, लेकिन सिकंदर वही है जो मैच में जीतता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। बंटी बलारा, सुधीर डालडा, बंटी बलारा,
पॉइंट मिलेगा जमोला जिला जींद को। और राजेश कुमार जी बीबी पर जटान जिला करनाल शुभ संदेश दे रहे हैं भाई दिनेश कुमार, दीपक, वीरेंद्र, फौजी जी, राहुल नंदन जी। और ये है भाई नॉन स्टॉप रहने पर सत्यवान बलारा 1000 रुपए देगा। बिल्कुल आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा नरेंद्र बलारा के नाटक, उस गांव का दर्शक साथी हो ये अच्छा खिलाड़ी। ये है अनिल जमोला, हरियाणा प्रदेश का दो लीगों का बुलेट मोटरसाइकिल विजेता भाई दिनेश सांगवान साहब, इस खिलाड़ी का नाम है पन्नू परिवार का बेटा। दर्शक साथियों अनिल जमोला अंक लेने में सफल रहा। और पछली बाइक अभी अभी इन्होंने राजगढ़ में अपने नाम रेड पर है दीपक सांगवान का महाराणा प्रताप का असली चेता के विनय खत्री। विनय खत्री जिला रोहतक का ही नहीं हरियाणा प्रदेश का नहीं दुनिया का बहुत बढ़िया खिलाड़ी दीपक, सॉरी संदीप संधू उर्फ गप्पू कोतकला जिला हिसार से फाइट थी, एकमात्र लांडे जीप विजेता और मुर्रा नस्ल का जो विजेता खिलाड़ी है मुर्रा नस्ल जीती है विनय खत्री ने। भाली करसोड़ा की टीम मैदान पर पहुंच जाए। यह है बलारा परिवार का बेटा रामबज बलारा के सुपुत्र हैं अमित फौजी। और सामने राजकुमार काला लाठ और ये कैच की कोशिश सुधीर सुद्धा जमोला तहसील जुलाना जिला जींद। दर्शक साथियों और यह हरियाणा प्रदेश का बड़ा ऐतिहासिक जिला जज्जर 1997 में फतेहाबाद के साथ हरियाणा प्रदेश के मानचित्र पर आया। 1834 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 9,46,000 की जनसंख्या। चाहे सालावास की बात है, चाहे मातनहेल की बात है, चाहे बहादुरगढ़ की बात है, चाहे जज्जर की बात है, ऐतिहासिक तहसीलें चाहे खंड की बात है, उस जिले के अंदर चिमनी अपने आप में ऐतिहासिक गांव। रामलखन की जोड़ी भाई दिनेश और दीपक वीरेंद्र कुमार, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रतियोगिता आपके बीच में। चलिए आपकी बार बच्चे की तरह फेंक दिया सोनू बलारा। जिला रोहतक में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हो, चाहे राज नौनंद की बात है, बिल्लू मोखरा की बात है, सभी जानते हैं कुश्ती और कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, चाहे विक्रम बहु अकबर की बात है, चाहे अपने प्रवीण फौजी निडाना की बात है, कितने खिलाड़ी के नाम माना रेटोली और भी बहुत से खिलाड़ी जिला रोहतक ने दिए हैं, चाहे काला भालोट की बात, उस जिले की टीम यानी रोहतक। काला लाठ और लीला जोड़ी, पॉइंट गोज टू बहु अकबर पर कांटे का मुकाबला जारी है। दर्शक वीरो फिर आएगा विनय खत्री ग्लोबल और यह है लीग का टीम कैप्टन दीपक सांगवान चिमनी जिला जज्जर मायाराम प्रधान के सुपुत्र का असली महाराणा प्रताप का चेतक, जिन्होंने दर्शक साथियों 21 जून 1576 में जो संसार का सबसे बड़ा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप को 21 फुट की नदी से छलांग लगाकर बचाने काने का काम किया था, शम वीर गति को प्राप्त हुआ था नॉन स्टॉप रहने पर दीपक के द्वारा। और यह है अमित फौजी रामबज बलारा के सुपुत्र हैं, बिल्कुल हाई वोल्टेज वो मुकाबला आपके बीच में, फाइनल जैसा मुकाबला है। सामने चाहे काला लाठ की बात है दीपक और ये राजा डबल टच, बिल्कुल 12 राजा उठ गए, देखिए 1/2 और ये मध्यांतर 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 का स्कोर नीरज बड़े अच्छे मारे अमित नीरज मलिक जी आपकी। और देखिए भाई दर्शक साथियों दोनों टीमों का जो स्कोर है 9 नहीं 10 नहीं 11 11 बराबर है, तालियां बजाइए, 10 मिनट का खेल अभी बाकी है, दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां। और भाई दीपक सांगवान का महाराणा प्रताप का असली चेतक अभी नॉन स्टॉप चला हुआ है, 1100 रुपए की धनराशि बिल्कुल उनको प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। और अभी तक सतपाल जी 5 रेडरों को यूज किया गया है, 4 को कैच हो गई है, चाहे बिरला की बात है, चाहे लीला की बात है, चाहे सुधीर लालडा की बात है, पहुंचे विनय खत्री की बात है, अमित फौजी अभी भी नॉन स्टॉप है। बाली कसोला की टीम भाई यही पी लो भाई पानी, भाई छोटू पानी इधर लिया, नहीं इधर लिया, जो नियम बनाए हैं उनको फॉलो कीजिए, सभी रेडर यही पानी पिएंगे, बिल्कुल पानी पिए जली जीवों का जीवर, इसको बचाइए भी भाई। वैज्ञानिक बता रहे हैं यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जल के लिए होगा, क्योंकि जल की बड़ी खपत है, ये बताते हैं 1 दर्जन केला के उत्पादन के लिए 750 लीटर पानी खर्च होता है, 1 किलो सेब का उत्पादन करने के लिए 1000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो चीनी का उत्पादन करने के लिए 3800 लीटर पानी लगता है, चॉकलेट जो आप खाते हैं 4200 लीटर पानी लगता है। दर्शक साथियों A4 के कागज के निर्माण के लिए 5 लीटर पानी लगता है,
A4 के एक टन के कागज के लिए 5000 लीटर गैलन पानी लगता है। मेरा अनुरोध है पानी को बचाइए, जहां अपने घर में चाहे आस पड़ोस में पानी के नल व्यर्थ में चल रहे तो उनको बंद कीजिए, चाहे बिजली के उपकरणों की बात है। मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। और मध्यांतर का स्कोर 11-11 है, अभी 10 मिनट का समय शेष बचा है। अगला जो मुकाबला होगा हमारा करसोला वर्सेस बाली के बीच में होगा। और अभी महिला कबड्डी के बहुत बड़े एडमिन है, उन्होंने भी कैथल से शुभ संदेश भेजा है चिमनी खेल कमेटी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब एक बार ट्रैक्टर ने बंद कर दो आप। भाई साहब देखिए आपसे नमन निवेदन है, तेल पहले ही 70 से ऊपर है। हाँ और भाई बहुत बड़ा खेल मेला आपका, पूरी खेल कमेटी आपका, आज का जो दंगल लाइव जो देखा जा रहा है, अब तक का सबसे ज्यादा लाइव देख रहे हैं इस मैच को। मैच कराओ जी, बिल्कुल जमोला वर्सेस मलिक साहब बहुअकबर लाइव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है भाई दिनेश जी आपका। और भाई संजय जट खेड़ीगा लाडला चहता जिसने गाड़ी गिफ्ट करी थी भाई अमित बहुअकबरपुर, अगर वो नॉन स्टॉप रहा था भाई 21,000 रुपए से मान सम्मान करेगा संजय जट खेड़ी। और उदास साहब बार बार एक रिक्वेस्ट है स्पेशल कमेटी से जी, जब मैच चल रहा हो तो मैच के बारे में ही बात हो, क्योंकि कई हजार लोगों को जवाब देना पड़ता है। हाँ चलिए रेड जी बिल्कुल ग्राउंड चेंज कर लिया, अमित फौजी सामने होगा, उसके विरुद्ध होंगे दीपक दाना सुधा काला लाठ और अनिल पानू गांव जमोला, तीन जमोला गांव के खिलाड़ी और चौथा काला लाठ। ये साफ तौर पे डबल टच है शिला देवी, बहुत बढ़िया डिसीजन। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बिल्लू चड्डा मंच पर बुला रहे हैं आपको, और ये रेड पर है दर्शक साथियों खत्री, पीछे जो कनाडा में मैच खेल का वैल्यूएशन हुई रेडरों के रूप में सातवां इनको स्थान मिला, और बिल्कुल बिलावल और बिलावल की धरती का चलिए चलिए सुधीर ऐसे नहीं होता, चलिए चलिए आप चलो आराम से खेलिए आप, हम सभी कोई बात नहीं, फाइटिंग मैच है। और अब आएगा जिला सोनीपत की बीतल गांव का बेटा नहीं है ये जोड़ी गांव का बेटा, क्योंकि बिदल जोड़ी सुरेश चहल के इकट्ठे पढ़ते हैं ये लीला जोड़ी है, चाहे बात फरीदाबाद की धरती की हो। पाछे सीओ करें सुरेश कुमार जी, 16 नवंबर को हमारे ऑफिशियल हैं सुबह 1:30 बजे। और अनिल पानू लीला जोड़ी चहल परिवार का बेटा, शानदार फाइट दो जोड़, अरे क्या हुआ भाई है? और ये पॉइंट है जमोला की टीम को, पॉइंट मिला भाई, शायद आंख में लग गया कुछ खिलाड़ी को। हाँ फाइट के दौरान जो भी आपस में, और टोटल टाइम मलिक साहब नोट करें साहब जी। हाँ बड़े बधाई के पात्र हैं मेरे छोटे भाई राहुल नंदड़, जिन्होंने अपने मामा जी के साथ मिलकर इतनी बड़ी प्रतियोगिता का सहयोग देने का काम किया, काफी माननीय अतिथि मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने का काम किया, और अपने पिताजी के साथ मिलकर प्रतिवर्ष 50 लाख का दंगल करवाने का काम करते हैं, वो आपके गांव का भांजा कह लीजिए देवता कह लीजिए, वो भी खेल मैदान पर, राहुल नंदल में नमन करता हूं। और मैं हाँ बिल्लू मोखरा मंच पर आ रहे हैं, फिर रेड शुरू है दर्शक साथियों, शर्मा परिवार का बेटा वशिष्ठ परिवार का बेटा श्री भगवान का, और ये दर्शक साथियों बहुत वेल क्वालिफाइड है, नॉन मेडिकल से इन्होंने प्लस टू की थी, अब नॉन मेडिकल बीएससी कर रहा है। बिल्कुल फाइट के दौरान आपको पली ले लो, फाइट के दौरान है, फिर सर्कल पर डैनी सर्कल पर देखिए सर्कल पर आउट हुआ है, बिल्कुल विक्रम सही बात जानते, विक्रम ने स्वीकार कर लिया। सोनू आप रियू ले, वो कोई बात नहीं, आप रियू किस चीज का ले रहे हैं पहले ये बताओ ना, नहीं एक बात देखो ना, फाइट के दौरान डैनी तुम खुद समझदार हो, ले लो। हाँ जी मलिक साहब जाइए एक बार, जी बात तो सुन ली फाइट
हाँ ये बिल्कुल रिव्यू, आइए कोनी कोनी मलिक साहब, इन्होंने रिव्यू ये लिया है फाइट के दौरान रेडर का हाथ है जो पहले टच हो गया, देखा एक नहीं, इनका कहना ये है। हाँ वो तो रिव्यू में पता चलेगा ना प्रवीण जी, कोई बात नहीं सुधीर, इनका कहना के रेडर का पहले हाथ बाहर आया इसलिए हमें रिव्यू चाहिए, आज रिव्यू देख लो उसमें क्या दिक्कत है, फ्री आओ हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। फिर लाइनमैन उसके बाद भी तो रिव्यू ले सकता है, लाइनमैन भी हो गया मान लिया उसके बाद भी तो रिव्यू हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है भाई, आपके पास भी रिव्यू आप भी ले लेना कभी आपको आवश्यकता पड़े तो, कब नाटके दे, मेरे नॉलेज में नहीं है भाई ये बात, जब एक टीम को मिलेगा तो दूसरी को भी मिलेगा, खत्री साहब हुआ तो कोई बात ही नहीं, या किसी को नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, एक एक रिव्यू है, इसके बाद बंटी आपको कोई रिव्यू नहीं मिलेगा, नहीं फिर भी नहीं मिलेगा, एक एक है ये, परो कबड्डी नहीं है हमारी, पंचायती टूर्नामेंट है ये, और इससे अगला मैच जिस भी टीम का है वो तैयार रहे। हाँ बिल्कुल, हमारे मैच रेफरी हैं मलिक साहब, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं, हरियाणा पुलिस में कार्यरत माननीय नरेश मलिक जी, लैपटॉप पर हर एक एंगल से देखेंगे, सबको न्याय मिलेगा, जिसका जो अंक है, गलती हो सकती है भाई किसी से भी हो सकती है मान्य। हाँ, मैं बताता हूँ सर, एक मिनट रुको दिनेश दोस्तों, सांगवान 10-13 का जो हमारा ग्राउंड प्रो कबड्डी का होता है, हर एक एंगल से कैमरों से देखा जाता, 5-5 कर्णपाल जी ऑफिशियल होते हैं, वहां भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं गलती हो सकती, वहां से चेक करके जिसका पॉइंट होगा उसके हक में जाएगा। चलिए सुरेश दलाल जी, जी बिल्कुल सही बता आपने, मान लो एम्पायर से ऐसी मिस्टेक होती है तो चीफ रेफरी चेंज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खेल खेल में ही आप लोगों को आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ अपने कौन चीफ रेफरी शायद मलिक साहब देखने गए हैं, अभी चेक हो जाएगा और जिसका पॉइंट होगा उसी को मिल जाएगा, उसके साथ फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा, सेमी से पहले फाइनल से पहले भाई बाली की टीम का फाइनल मुकाबला जारी और करसोड़ा की टीम आपस में चेक कर लें भाई, पप्पू भाली और सीटू करसोड़ा, लगातार मैच चलेगा, इसके बिल्कुल समाप्ति के तुरंत बाद मैच शुरू हो जाएगा आपका। आगे भाई नरेश जी मलिक देख के आ गए हैं, अभी फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और ये फैसला रेफरी का था वही बिल्कुल पॉइंट गोस टू, और चलिए भाई रेडर चले बहु अकबरपुर जिला रोहतक का, ये पॉइंट नीरज नोट करें भाई, 2100 रुपए शेखर मोखरा के लगे हुए हैं, उनका घोड़ा इनको मैं कह सकता हूँ, बहुत फैन है शेखर मोखरा, मोखरा कबड्डी क्लब नंबर 1 के एडमिन, और जो फौजी बहु अकबरपुर उसको भगवान मानते हैं, उन्होंने कहा मैंने डी ग्रुप रेलवे का बाकी दूर एग्जाम दिया है, अगर मैं डी ग्रुप एग्जाम में पास हुआ रेलवे में लग गया तो फौजी बहु अकबरपुर एक बाइक से मान सम्मान देगा, और तो ये पॉइंट मिला करते हैं दीपक के द्वारा झमोल्ला की टीम को भाई, और ये रेड पर है विनय खत्री, शमशेर सिंह खत्री के सुपुत्र है बिल्कुल, जो खिलाड़ी नरेश खत्री के सुपुत्र है उसको भी कैच हो गई, अब कोई नॉन स्टॉप नहीं, पंटी बलारा को टच किया राइट कॉर्नर को, पॉइंट मिला भाई दर्शक साथियों झमोल्ला जिला जींद को, चलिए सुरेश दलाल जी बिल्कुल, और तीसरा रेडर की टीम ने 3-3 रेडर यूज किए हैं, चाहे अमित फौजी की बात है, चाहे सुरेंद्र बल्डा की बात है, और चाहे लीला जोड़े की बात है, जबकि झमोल्ला टीम ने 2 रेडरों को यूज किया, सुधीर डालडा और विनय खत्री, सुरेंद्र बल्डा झमोल्ला के पाले में लाठिया काला, पेट पर कैची लगी है, पोचा पकड़ लिया है, लेकिन पॉइंट करने के लिए स्कोर करने के लिए जान चाहिए ताकत चाहिए, काले ने बोला काले को छोड़ो भाई, यानी लाठिया काले ने सुरेंद्र बड़ा को कैच किया है, अभी भी मैच काटेगा चला हुआ, 1-2 कैच कोई ज्यादा नहीं होती, कभी भी कोई सी भी टीम वापसी कर सकती है, वापसी का धक्का जा सकती है, वेल क्वालिफाइड है वशिष्ठ परिवार का बेटा सुधीर झमोल्ला जिला जींद, काफी मोटरसाइकिल
एलईडी शुद्ध देसी की अपने नाम किया है, और यह संदीप लंबू संधु परिवार का बेटा जिन्होंने लांडी जीप विजेता है। दर्शक साथियों, संदीप कोच कला जिला हिसार। सफल रेडर और जो 1100 रुपए कबड्डी फूड सप्लीमेंट्री स्टोर की तरफ से लगाए गए थे, नन्ना अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और काला पहलवान पप्पू वाली मंदिर संदीप गप्पू के खाते में घुमाए चले गए हैं। आपस में चेक कर लो, समय बच जाएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, चेक हो गया। बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं। हाँ जी मलिक साहब, कोई नहीं जी, फिर अपनी जो बोलते हैं ना उस बात का अनुसरण करो, उस बात को मानो। वो कोई भी बात करते हैं तो दोनों टीमों के लिए बराबरी के लिए बात करते हैं। हाँ टाइम आउट दिया। अच्छा। जी टूर्नामेंट लोकल है, इसमें कभी चीज कहते नहीं होती तो कभी हो जाती और है, भाईदारी में ज्यादा चलता है। गांव बहुगपुरपुर जिला रोहतक नॉन स्टॉप रहने पर 1000 रुपए मेरे पास इन्होंने जमा कराए हैं, अपने भतीजे को प्रोत्साहन के रूप में देंगे, लेकिन कैच लग चुकी है। मलिक साहब 30 सेकंड हो गए, टाइम आउट खत्म हो गया। हाँ, अब रेड कराइए, रेड लगाइए। शायद सचिन कुमार आएगा रेड पर और सोनू। मैच समाप्त हो चुका है, सत्यवान जी अपने पैसे लेकर जाए 1000 रुपए साहब जी। और इसका स्कोर बताइए नीरज मलिक। अगला मुकाबला भाली वर्सिज करसोड़ा, दोनों टीमें खेल मैदान पर हैं। बहु अकबरपुर जिला रोहतक के अंक है 12 और जमोला के अंक है 18।